अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद समरीन। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड मलाई रोल, जो बिना गैस बिना झंझट किए सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह तो हार्ड डिलीशियस सा ये डिज़र्ट आप बनाकर अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सभी को खिला सकते हैं, और जो 5 मिनट में ही बनकर ये तैयार हो जाएगा। कोई भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ एक बाउल ले ली है मैंने और 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, जिसके मैंने किनारे कट कर लिए थे। इनको हमें बारीक बारीक तोड़ लेना है। यहाँ पर हमें ब्रेड रोल की स्टफिंग तैयार करनी है। साथ ही हम इसमें ले लेंगे 2 चम्मच कोकोनट पाउडर, साथ ही हम इसमें लेंगे 2 छोटे चम्मच शुगर पाउडर, और अब साथ ही हम इसमें ले लेंगे 3 छोटे चम्मच ये मिल्क पाउडर। इससे जो हमारे ब्रेड रोल हैं वो बहुत ही सॉफ्टी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। साथ ही अब इसमें हम डालेंगे घर की फ्रेश क्रीम 2 छोटे चम्मच। ये बिल्कुल ताज़ा और घर की फ्रेश क्रीम है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, और साथ ही में हमने यहाँ चॉप किए हुए 1/4 चम्मच ड्राई फ्रूट काट कर रखे थे, उन्हें भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब ये थोड़ा ड्राई है, थोड़ा सा ही थे। गीला करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध और हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, ये डिज़र्ट बहुत ही जल्दी और यम्मी से बनने वाला डिज़र्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा कम समय में बिना गैस के यूज़ किए, बिना मावा यूज़ किए बनकर तैयार होगा, और आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। यहाँ पर मुझे थोड़ा ये गीला लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच मिल्क पाउडर इसमें और ऐड कर लिया है। थोड़ा सा आपको इसे और ड्राई करना हो तो, यहाँ पर हमने 1 कप पानी, दूध ले लिया है सॉरी, और साथ ही में यहाँ पर हमने 1 चम्मच क्रीम मिलाई है इसमें, यानी कि दूध की मलाई, और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा शुगर पाउडर 1 चम्मच के बराबर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अभी हम एक साइड रख देंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के ब्रेड ले लिए हैं। अब इन्हें भी हमें गाइस क्या कर लेना है, साइडों से इसके किनारों को कट कर लेना है। ये ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें इनके किनारे कट कर लेने हैं। तो इसी तरह से हमें सारे ब्रेड के किनारे जो हैं वो कट कर लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये सभी किनारे जो हैं हमारे ब्रेड के वो कट कर लिए हैं मैंने। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम एक ट्रे ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ये कोकोनट पाउडर जो है उसको फैला लेंगे, ताकि जो हमारे ब्रेड हैं वो नीचे से चिपके ना। अच्छी तरह से इसको हमें सारी ट्रे पर फैला लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर थोड़ी सी मिल्क पाउडर या मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कच्ची रह जाएगी। आपको मिल्क पाउडर है अगर आपके पास हो तो उसको भी यहाँ पर फैला सकते हैं। और साथ ही में हमने जो ये देखिए दूध और मलाई का मिश्रण तैयार करके रखा था, उसमें हमें अपने स्लाइस को एक एक करके डीप करके और इस पे ट्रे पर हमें रख देना है। इसी तरह से हम सारे स्लाइस को डीप कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से जो हमारा मिल्क है उसे एब्जॉर्ब कर लें और सॉफ्टी से ये बन जाएं। अब साथ ही में जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी है गाइस, उसको भी हम एक एक स्लाइस पर ऐसे ही फील कर देंगे। झटपट से बनने वाला ये डिज़र्ट है, सिर्फ 5 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर ये तैयार होगा। तो गाइज़, अगर रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ से मुझे सपोर्ट करें।
तो इसी तरह से हम सारी जो हमारी स्टफिंग है उसको ऐसे फैला लेंगे और साथ ही हम इसे एक नाइफ़ की मदद से ऐसे फोल्ड करते हुए धीरे धीरे हाथ से इसको फोल्ड करते रहेंगे और एक रोल की शेप दे देंगे। ये थोड़े सॉफ्टी सॉफ्टी से हो रहे हैं, हल्का हल्का दबाते हुए आपको इसी तरह से सबको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये कितने अच्छे से ये फोल्ड हो रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको मुड़ते हुए सॉफ्ट लगेंगे और थोड़ा सा इसको हमें आराम से ही फोल्ड करना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। साथ ही हमने बची हुई जो हमारी क्रीम है उसे भी हम इस पर डाल लेंगे, क्योंकि ये मलाई रोल हैं हमारे, तो इस पर मलाई लगानी भी ज़रूरी है। तो मलाई आप ऊपर से इसकी स्टफिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं एक एक बादाम लगा दूँगी बहुत ही अच्छे से ड्राई फ्रूट्स, ताकि ये गार्निशिंग के लिए हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगें। साथ ही गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने ये पिस्ता रखा था, उसको भी हम इस पर लगा देंगे। देखिए ये बनकर एकदम से रेडी हैं। तो गाइस इस त्यौहार ज़रूर से इस डिज़र्ट को ट्राई करें और अपना टाइम भी बचाएं और ये लाजवाब सा डिज़र्ट अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं, जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।